दिखाते हैं वो सारे कैसे आठ सजाए नहीं खाते सजाए नहीं खाते हैं वो देवता है। हाँ जी खुदा सब संबंध आकर के स्थापन खुदा से होते हैं तो दोस्त नहीं बनता होगा। हद में कैसे शरीर छोड़ा जाता है और हद में कैसे छोड़ा जाता है जगदम्बा का पाठ कौन सा पाठ है महाकाली भी बनती है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा भी है। सती को तेता में दुर्गुणों को दूर करने वाली है और द्वापर कलयुग में काला पाठ भी बजाने वाली है। विकराल रूप धारण करने वाली है वो पृथ्वी रूपिणी है। पृथ्वी विस्तार को पाती है आत्मा विस्तार को नहीं पाती आत्माएं सब आकर के पृथ्वी पर जन्म लेती है शरीर से पृथ्वी साकार है और आत्माएं निराकार ब्रह्मा को विष्णु कहा जाता है ब्रह्मा कितने हैं पांच ब्रह्म है पांच ब्रह्मा में से शरीर छोड़ने वाले कौन कौन है ओम राधे भी शरीर छोड़ती दादा लेखराज ब्रह्मा भी शरीर छोड़ते जो भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते वो सब शरीर छोड़ते क्योंकि पक्के सूर्यवंशी नहीं है मूल में जो विजयमाला की मुखिया है वो भी चंद्रवंशी है मूल में परंतु अपने अहंकार को त्याग कर
सूर्यवंशियों के सामने झुक जाती है। तो परंपरा चलती रहती है भक्ति मार्ग में भी, कि जो भी कन्या नीचे कुल से आती है वो पति के घर में आकर ऊंच कुल की बन जाती है। परिवर्तित होने वाले में मोल्डिंग पावर होती है। उनके लिए जरूरी नहीं है कि विनाश हो, धूम धड़ाका हो तभी परिवर्तित होंगे। स्वतः मोल्ड हो जाते हैं। उनमें देहभान ज्यादा होता है तो मोल्ड नहीं हो पाते। जगदम्बा का भी ये पाठ है, ज्ञान का बदन तो धोती है, परंतु उतनी सेवा नहीं सहयोगी बनती। जो लक्ष्मी नारायण जैसा भव्य मंदिर यादगार बन सके। जगदम्बा के छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, अपने देहभान में फंसे रहने के कारण सर्विस नहीं हो पाती। माता होती है साकार और बाप होता है निराकार। सृष्टि के दो बीज मुख्य हैं। कोई बीज ऐसे होते हैं दो दल वाले होते हैं, ये लक्ष्मी नारायण भी ऐसे दो दल वाले हैं जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। दोनों ही बीज हैं, एक मेल रूप में एक फीमेल रूप में। पुरुषार्थ करते करते जो भी सूर्य विशिष्ट देश को नहीं पाते हैं तो सभी शरीर छोड़ना पड़ता है। एक होता है राजयोग और एक होता है हठ योग। जिनमें अनेक जन्मों के हठबाधिता के संस्कार होते हैं वो हठबाधिता के संस्कार ब्राह्मण जन्म में संगम युग में भी प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? वो देह अहंकार के कारण हठ होता है। बाल हठ प्रसिद्ध है, बाल हठ बच्चा बुद्धि का सूचक है। ये बच्चा बुद्धि ब्रह्मा में भी है तो जगदम्बा में भी है। इसलिए मुरली में बोला है एडवांस की भी प्रैक्टिकल बात है। तो बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेबी? बच्चा बुद्धि है, इसका कोई दोष नहीं है। जैसे बच्चा भोले भाले स्वभाव का होता है और बच्चे का बाल हट प्रसिद्ध होता है,
बच्चा हट पकड़ जाता है, मैं तो चांद खिलौना नहीं हूँ। तो फिर उसे जब तक शीशा में दिखाया जाए तब तक उसे समझाया नहीं जा सकता। इसमें मारने पीटने की बात नहीं है, ये तो जितने भी स्वर्ग में जाएंगे सबका रक्त मोह होना ही चाहिए। देवताओं में कोई संबंधों का मोह थोड़ा ही होता है। अंत तक ये परीक्षा चलती रहेगी और लिस्ट तैयार होती रहेगी। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो देह अभिमान में जीने वाले अंत तक जीते रहेंगे और उनकी परीक्षा भी होती रहेगी। कृष्ण के फॉलोअर्स माने कृष्ण की कृष्ण वाली आत्मा की इस समय प्रजा नहीं है क्या ब्राह्मणों की दुनिया में है? कृष्ण की आत्मा जो इंस्पिरेटिंग पार्टी का पार्ट बजाए रही है उसके फॉलोअर्स कहो या उसकी प्रजा कहो उसके बच्चे कहो जिसकी उसने विशेष पालना की है, वो बच्चे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में है अथवा नहीं है? है। जैसे क्राइस्ट की जिम्मेवारी है क्रिश्चियंस को तब्दील करने की, जैसे बुद्ध की जिम्मेवारी है बौद्धियों को तब्दील करने की, ऐसे ही प्रजापिता की जिम्मेवारी है पहले पहले सूर्यवंशियों को तब्दील करने की, ऐसे ही चंद्रमा की जिम्मेवारी है चंद्रवंशियों को तब्दील करने की। बच्चे जब तक संपन्न न बने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी वापस नहीं जा सकता। बच्चों के संग के रंग में आता ही रहता है, वो चाहे राम हो या कृष्ण की आत्मा हो, उनको तब तक बच्चों के संग के रंग में आना है जब तक संपूर्ण न बन जाए, बाद में वापस जाना। और संग के रंग में आएंगे तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। है कि नहीं कि राम की आत्मा है कृष्ण की आत्मा है तो वो शिव बाबा हो गई। शिव को संग का रंग नहीं लगता है और बाकी कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा ऐसी नहीं है जिसको संग का रंग न लगता हो। और ये ड्रामा बना हुआ है कि साथ चलेंगे साथ रहेंगे साथ साथ नए राज्य में आएंगे। किसके लिए बना हुआ है? राम कृष्ण की आत्माओं के लिए खास बात लागू होती है।
कि उनको साथ ही साथ जाना है। कोई फॉलोअर्स बच्चों को छोड़कर नहीं जाना है। और जीते जी मर गया तो परीक्षा नहीं लेंगे तो क्या रहेंगे? आत्मा बनने का ही तो खास पुरुषार्थ है। 63 जन्मों में जो कट लगी है वो देह अभिमान की ही तो कट लगी है। अपन को देह समझ लिया, अगर देहवान ही नष्ट हो जाए तो आत्मा परिपूर्ण हो गई। देह जब तक है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, देह भान ही नहीं तो पांच विकार भी नहीं। तो देवात्मा हो गई। प्रजा पिता में प्रवेश करके बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेता है, है? सतयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेता है, संगम युग में बुद्धि में प्रवेश करता है, बुद्धि रूपी पेट में बच्चे के सारे बच्चे जो पैदा होने वाला है बच्चा के रूप में, हाँ? वो रुद्रमाला में प्रवेश होता है, प्रवेश करके पाठ बजा रही है। और जो विजय माला में प्रवेश करते हैं वो बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। हाँ जी ठीक है। तो जमा बाबा पैसे लेने की वैसे भी ये भी छोटी मम्मी होगी या बड़ी मम्मी है? तो छोटी मम्मी में छोटी मम्मी प्रवेश करेगी या बड़ी मम्मी प्रवेश करेगी? छोटी मम्मी में छोटी मम्मी और बड़ी माँ में बड़ी माँ प्रवेश करेगी। ये तो नहीं बोला कहीं कि राम कृष्ण की आत्मा का जन्म जन्म का साथ है, है? राम, ये राम और कृष्ण का जन्म जन्म का साथ है किस रूप में? पार्वती के लिए तो बोला है कि वरो शंभु नतुरहु कुमारी। और दूसरे संबंध में हो सकता है। हाँ जी, तो ब्रह्मा भी जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए? ब्रह्मा की कंचन काया बनना चाहिए। कैसे? सूर्यवंशियों की कंचन काया बनेगी या दूसरे दूसरे वंशियों की भी कंचन काया बनेगी? सबकी बनेगी, सबकी बनेगी। 500 करोड़ सबकी माना जो भी 4.5 लाख 4.5 लाख की बनेगी ना? तो 4.5 लाख से बाद वाली कैटेगरी के भी कोई डायनेस्टी होगी या नहीं होगी? डायनेस्टी होती ना, एक के बाद दूसरी डायनेस्टी, दूसरी के बाद तीसरी डायनेस्टी, तो सारे ही डायनेस्टी एक साथ मिलकर के इकट्ठी हो जाएगी क्या? 4.5 लाख में सिर्फ सूर्यवंशी है। उसके बाद जो आएंगे वो सब चंद्रवंशी होंगे, जो द्रावण कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। ये सूर्यवंशी में चंद्रवंशी है वो तो छिलका चढ़ा हुआ है। वो भी छिलका चढ़ा हुआ है, लेकिन लेकिन पक्का सूर्यवंशी नहीं है। अगर पक्का सूर्यवंशी बन जाए तो अष्टदेव में आ जाए, इतनी भी ताकत रखती है, लेकिन वो अष्टदेव में भी नहीं आती। जब ब्रह्मा ही अष्टदेव में नहीं आता
जिसे सहन शक्ति का माँ के रूप का पक्का पाठ बजाया तो जगदम्बा तो ब्रह्मा का डब्बा है, वो कैसे आ जाएगा? कौन ब्रह्मा 4.5 लाख में नहीं है, जगदम्बा है 4.5 लाख। किसका? ब्रह्मा का कैसे हो रहेगा? ब्रह्मा तो पैदा होकर के कंचन काया बनाता है, कोई माँ बाप से जन्म लेगा तब कंचन काया होगी। और रुद्रमाला के बन के वो तो अपने पुरुषार्थ से कंचन काया बनाते हैं। तो कंचन काया बनेगी नंबर वन, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा लास्ट में। कुछ ऐसे होंगे जो अंत तक विरोध का पार्ट बजा देंगे। आज ही मुरली में आया जो विरोध में पार्ट बजा देंगे तो अंत मटे तो गते जरूर होगी, दूर हो जाएंगे। उनके लिए तो बोला कि बच्चे की नया मिलेगी तो लड़की पढ़ दो। डूबी कहाँ है, वो तो 4.5 लाख की लिस्ट में आ गए ना, 108 में भी आ गए। शरीर तो छोड़ना, शरीर किसका रहेगा? शरीर तो किसी का भी नहीं रहेगा, किसी का विनाश से पहले छूटेगा, किसी का विनाश के बाद छूटेगा। नारायण तो बनती नहीं है, जगदम्बा बनने वाली, महाकाली बनने वाली जितनी भी होगी उन सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जीव बड़ी लंबी होती है, स्त्री चोला का धर्म नहीं निभाती वो। स्त्री चोला का धर्म यह है कि आज कलयुग की दुनिया है, कलयुग की दुनिया में स्त्री अबला हो जाती है। अबला हो जाने के कारण उसे कोई न कोई पुरुष के कंट्रोल में रहना चाहिए, अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो दुर्गति हो जाएगी। हाँ जी, जब चोला है तो चोले की भी लाज रखनी चाहिए। बाबा ब्रह्मा कपाल लेकर के घर घर का माता सामने मांगता है, ये मांगता है, ये क्या बाबा? भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांगती, जो भी भिक्षा मांगता है वो भिक्षा देने वाली कौन बनती है? माता। ये माता का नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। बेहद में अन्न किसे कहा जाता है? अनाज किसे कहा जाता है? याद को अनाज कहा जाता है, योग स्नेह को याद को अनाज कहा जाता है, और ज्ञान को पेय कहा जाता है। तो अन्न की जिसने भिक्षा दी माने स्नेह की जिसने भिक्षा दी वो कही जाती है अन्नपूर्ण। क्या पूर्ण किया? याद की इच्छा पूरी कर दी। जिसके साथ रहना होता है, खाना होता है, सोना होता है, सारा जीवन जिसके साथ बिताया जाता है, संपर्क संसर्ग होता है, तो वो याद आता है या नहीं आता है? आता है। लेकिन यहाँ तो शक्ति रूपिणी की बात है। क्या? शक्ति चाहिए। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है शंकर में, उसको प्रवृत्ति मार्ग की याद संपन्न करने के लिए कोई न कोई स्त्री चोला चाहिए। याद प्रवृत्ति मार्ग की टिकने के लिए, नहीं तो पक्का प्रवृत्ति वाला साबित नहीं होगा। और इसमें पहला कदम बढ़ाती है जगदम्बा।
भिक्षा देती है। देने से ये कपाली में क्या है, ये बिच्छू टुंडे हो गए। बिच्छू टुंडे नहीं, यही पैदा हुए, ये कपाल में है ऐसा। जो रुद्रमाला के मड़के हैं वो सारे बिच्छू टुंडे पैदा होते हैं, जबकि उन्हें पता है कि एक ही उनकी किरसंगनी है जो सदा साथ निभाने वाली है, फिर भी दर दर भिक्षा मांगने की क्या दरकार। थोड़ी धीरज धर्म हुआ, धीरज धर्म, लेकिन बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, क्योंकि विदेशियों का भी कल्याण करना है, सारी शक्ति का कल्याण करना है, इसलिए वो स्वीकार करना जरूरी है, वो भिक्षा लेना जरूरी है, नहीं तो इस शक्ति का संहार नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि तब तक रुका जाए और योग बल अधूरा ही रह जाए। प्रवृत्ति मार्ग की याद चाहिए। कपल आप में नहीं बैठते जिसे है, रुद्रमाला के मन के सारे बिच्छू टिंडे न अग्रदेव भी आखिरी जन्म में बिच्छू टिंडे हो जाते हैं, वो भी रोना पीटना करते हैं थोड़े समय, जब तक संपन्न न बने। जब तक रिजल्ट न निकले तब तक वो भी रोते रोते पैदा होते हैं। रुद्रमाला के मणके जो है उन रुद्रों को बताया ही जाता है रोते रोते पैदा हुए, को आराम मचा देते हैं। है कोई भी आत्मा ज्ञान में आना बना भले आना बना पाप का संकल्प का बिगड़ हो जाता है क्या? पाप का संकल्प का बिगड़ अपने आप ही हो जाती है क्या? मना बाप 500 करोड़ के लिए संकल्प करता है, एक के लिए बाप बैठ करके संकल्प करेगा क्या? है अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी खिंचावट होती है। जिन्होंने 63 जन्मों में ज्यादा संग लिया होगा रामकृष्ण का उनको उतनी खिंचावट होगी, जिन्होंने विरोध किया होगा वो यहाँ भी विरोधी नजर आएंगे। हैं? ये तो दिल से दिल को राहत होती है क्या? एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती। एक कदम बच्चे का तो 100 कदम बाप का। तो मम्मा का सरेंडर में केवल जिंदगी मार रहा होगा मगर के बाप का मतलब कुछ भी नहीं। बाप अगर मदद न देवे और माता बनकर के काम न करे तो रुद्रमाला के मणके कैसे जिंदा रहेंगे? वो तो माता भी है और पिता भी है, अभी भी माता है, अभी भी रहम दिल का हाथ है, और अंत तक दिल्ली वासियों ने जिन्होंने मदद की है उनके ऊपर हाथ रहेगा। लगाव तो रहेगा, लगाव किसके ऊपर नहीं रहेगा? रुद्रमाला के मणके 108 बच्चे हैं तो उनके ऊपर लगाव नहीं होना चाहिए रुद्र का? हाँ रहना चाहिए। आदि का जो बीज बोया हुआ होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। आज में जिन्होंने सहयोग दिया और अब जो सहयोग दे रहे हैं, जबकि हजारों की तादाद में निकल चुके सहयोग देने वाले, तो ज्यादा वैल्यू किसकी हुई?
आदि वाले की ज्यादा वैल्यू हुई ना, तो आदि को अंडरस्टैंड करो ना, आदि में तो ना माता प्रिया मामा माने अंडरस्टैंड होती बिल्कुल देवी नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये तो जब जैसा ड्रामा होगा तब तैसा देखा जाएगा। हर एक बात पहले से थोड़ी बताई जाती है, पहले ही सारी पढ़ाई पढ़ा देंगे तो आगे चल के क्या पढ़ाएंगे। अभी 2000 चल रहा है ना, 2000 बाद हाँ जी, तो सत्युग द्वापर कलयुग की हिस्ट्री है ना, तो 1250 वर्ष बोलो, तो 2000 वर्ष हो गया, बाकी बचा कितना 500 वर्ष। तो बाबा दंगल युग तो 100 साल का ही है, तो 100 साल सत्युग जो है वो भी 1250 वर्ष, त्रेता भी 1250 वर्ष, द्वापर और कलयुग भी उतना ही। हाँ जी हाँ जी, अभी 2000 वर्ष चल रहा है। हाँ 2000 वर्ष खत्म हुआ, 7 वर्ष अभी चल रहा है, पूरा हो गया। हाँ तो संगमयुग 100 साल हो रहा है, भगवान भी आ गया, बाकी 500 वर्ष है ना, आए में 500 वर्ष, 1250 1250 कितना हो रहा है, 2000 वर्ष हो गया, कहाँ 2000 वर्ष हो गया, 2000 वर्ष तो नरक के हो गए, 5000 वर्ष तब कहा जाएगा जब संबत एक एक शुरू होगा। अभी संबत एक 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 शुरू हुआ है, नई दुनिया की सौगात दे दी है का मतलब है कि जो भी नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं वो अंडरग्राउंड में फाउंडेशन डाल रहे हैं। तुम बच्चे आना जाना कर रहे हो, तो 100 वर्ष के अंदर तो सतयुग की शुरुआत हो जानी चाहिए। अभी कोई ये थोड़ा ही कहा कि मकान बनना शुरू हो गया ऊपर का, पहली मंजिल बनती है उससे पहले क्या होता है, फाउंडेशन डाला जाता है, तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा है, अभी पड़ रहा है, वो तो अंडरग्राउंड बिलेट भी काम कर रही है। हिस्ट्री में किसका चक्कर से हिसाब लिया है, किसका पूर्व कोई साल गायब हो गया है, किसका पूर्व वो कितना साल गायब हो चुकी है, उससे हिसाब लेते हैं ना। अभी जो भी 2500 वर्ष पहले की बात है वो हिस्ट्री क्या सबके पास मौजूद है सच्ची सच्ची, तो उसमें कुछ रद्दो बदल हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो अभी रिसर्च बाकी है। ऐसा भी हो सकता है कि 2005 में पूरा हो गया हो, संबत एक 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 शुरू कर दे, चलो तुम लिखना शुरू कर दो संबत एक एक एक, रोना चिल्लाना नहीं कभी अब क्या जब संबत शुरू होने करने वाला तो कम से कम ना रो, रोना चिल्लाना पीट ना करे, क्या हो गया कल एंडिंग हो गया, हाँ जी ठीक है। और प्याज के लिए बोला बाबा, प्याज मना पिया आज ऐसा पेन दर्द बोला है, इसका मतलब प्याज 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 के लिए बोला पिया आज लहसुन प्याज,
ब्रह्मा के हजार बोझाओं से इसका क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं? है बोल दिए ना, ये नेक्स्ट पॉइंट ये अलग है। अच्छा हाँ, प्याज बोला ना प्याज के लिए बेहद, वो उसका मतलब क्या है? हद का प्याज है, हद का प्याज उत्तेजना बढ़ाता है इंद्रियों में, और वो बेहद की बात है क्या? पिया आज, आज पी लिया तो नशे में आ गए, कल फिर नशा उतर जाता है। ऐसा पिया पिया न पिया, जो अल्पकाल का नशा चढ़ाता है वो लहसुन प्याज है। आज पिया, जो प्याज है ना वो हद का प्याज होता है, तो उसे लहसुन प्याज को खा लो तो इंद्रियों में उत्तेजना ज्यादा आती है। ऐसे ही ये बेहद का जो भोजन है विकारी, तो भोजन विकारी जिनको मिलता है वो उनको भी नशा करता है, लेकिन अल्पकाल का चलता है चढ़ता है या सदा काल का चढ़ता है? अल्पकाल का चढ़ता है खत्म। और ये नारायणी नशा तो लगातार चलता है। उससे पहले उससे नारायणी नशा नहीं था है? अगर नशा नहीं था तो ये मनन चिंतन मंथन क्या 76 के बाद ही हुआ है? उससे पहले नहीं हुआ? पाँच हजार साल का, पाँच हजार साल का नारायण नशा थोड़ा ही होता है, ये तो संगम की बात है। जो आत्मा बीज है और वो बीज जब भी धरणी में बोया जाएगा तो वो तो अपना बोने मात्र से ही काम करना शुरू करेगा कि नहीं? कुछ लागू है माने 100 साल और युग होता है 1000 साल का, 1250 का बाबा कितने लोग ये कह रहे हैं है? वो या अभी जो 2000 साल चल रहे हैं, हाँ जी, जिसका चयन वो हिसाब किया है जिस शरीर छोड़ने के 500 साल के बाद, वो जो हिसाब लगाया है उसमें भी थोड़ा गलती हो सकता है। उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उनका शुरू किया है या जन्म से शुरू किया है? छोड़ने के बाद, छोड़ने के बाद की तुरंत नहीं, छोड़ने के 500 साल के बाद, सबसे 500 साल हुआ करके हिसाब लगाए। 2000 साल कैसे हो गए क्राइस्ट? 500 साल वो हिसाब कर लिया ना, कैसे कर लिया? जोड़ लिया। अरे अभी क्राइस्ट को 2000 साल हो गए ना? हो गया 2000 साल हो गए, और कहना ये है कि उनके शरीर छोड़ने के 500 साल के बाद ये शुरू किया। 500 साल के बाद शुरू किया मतलब 500 साल के बाद वो गिनती करना शुरू किया, 500 साल हो गया, 500 शुरू करके। आप उसमें गलती भी तो हो सकती है, वही बोल रहे हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक गिनती नहीं था। हाँ जी, इसलिए
संपत में कुछ गलती भी निकल सकती है, रिसर्च करने के बाद पता चलेगा। उसी तरह से ज्ञान में भी अंतर हुआ। ज्ञान में क्यों अंतर हुआ, ज्ञान में तो सारी बात बता दी बाबा ने। यहाँ तो 100 साल का संगम है, जो 36 से शुरू हुआ है और 2036 में पूरा होगा, उसमें अंतर क्यों पड़ेगा? हम पहले एडवांस में बोलते थे ना, कृषि चक्र इकाई साहब ने 2000 लिखा है, जो गली में एंडिंग और सत्य स्टार्टिंग में, वो हिसाब से जो कृषि चक्र जो बनवाया है शिव बाबा ने, तो बनवाया ना चक्र। हाँ चित्र 2000 भी लिखा है। हाँ तो वो हिसाब से वो लोग तो अंदाज के हिसाब से लगाया है, क्रिश्चियन लोग गिनती करना उस समय वो गलती हो सकता है। तो शिव बाबा यहाँ 2000 इसी को माना है ना, वही क्या माना, तो माना सब तो लिखा है ना उसने। क्या लिखा हम एडवांस में कहते थे ना 2000 में एंडिंग दिखाया है। हाँ तो वो तो ब्राह्मण संगम की दुनिया की बात है, वो तो एंडिंग हुआ, वेलकम शुरू हो गया एडवांस पार्टी का 2000 में, उनकी बात थोड़ा ही है। जैसे 1977 में बेसिक नॉलेज वालों का विघटन शुरू हुआ था, ऐसे ही एडवांस पार्टी का भी विघटन 2000 में शुरू हो गया। वो तो ठीक है, नहीं बाबा वो तो ठीक है, अभी अभी सूची चंद्र का जैसे पहले हमें सचिव छोड़ी के लिए 16 साल हाँ? और 12 साल 8 साल 4 साल हाँ? देते थे शूटिंग पीरियड में। हाँ तो 2004 तक पूरा हो गया, तो फिर अब कैसा बताना है किसी को बताना है कि अंतराल पीरियड चल रहा है, जैसे ब्रह्मा का चला अंतराल पीरियड 14-16 साल का, दूसरी मूर्ति का अंतराल पीरियड चला 7-8 साल का, ऐसे ही विष्णु का भी अंतराल पीरियड चल रहा है 3-4 साल का। अरे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में क्या 47 में ही ब्रह्मा कुमार कुमार युग बीच में पक्का पता हो गया ये ब्रह्मा है, टाइम लगा ना, तब उन्होंने लिखा जा करके दिल्ली में बोर्ड टांगा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, पहले थोड़े नहीं हो गए पता था किसी को, तो टाइम लग जाता है। ऐसे यहाँ भी दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी बुद्धि में भले किसी को आ गया हो कि हमारा ये पार्ट है, लेकिन प्रत्यक्ष तो 75 में हुआ ना, तो 7-8 साल लगे संपूर्णता वर्ष तक। ऐसे ही विष्णु की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में भी 3-4 साल का टाइम लगना जरूरी है, ये अंतराल का टाइम चल रहा है, पूरा होगा और जो नजदीकी होंगे विष्णु के पाठ के उनके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगा। 2008 के बाद हाँ जी विष्णु प्रतिष्ठ होने में अभी का विष्णु प्रतिष्ठित और होने के बाद फर्क होगा, जो नजदीकी होंगे उनके लिए जरूर फर्क होगा, जो दूर वाले होंगे वो हाहाकार करते रहेंगे, जब उनका टाइम आ गया तो वो भी जय जयकार करेंगे जैसे एडवांस पार्टी में हुआ। 1976 में सभी ने थोड़ी जय जयकार करना शुरू कर दिया, अभी तक भी एडवांस में निकल रहे हैं, बेसिक में से आते हैं एडवांस में निकलते हैं तो जय जयकार शुरू कर देते हैं, बाकी वो तो अभी भी हाहाकार कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी चलेगा, बोला भी है अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, ये वहां भी लागू हुआ था, अंदर वाले रह गए बहुत से रह गए और बाहर वाले जो घर घर में रहने वाले थे जो सरेंडर वर्ग नहीं थे वो ले गए। और 8 और 8 के बाद और जोर से क्रांति होगा। हाँ जो जो प्रत्यक्ष होता जाएगा उसका सारी दुनिया तो सुन बनती जाएगी, जैसा बाप के लिए
नए से बच्चों के लिए है। इसी से नजदीक मतलब पुरुषार्थ से नजदीक है बिल्कुल, विष्णु के जो नजदीक होंगे तो पुरुषार्थ के नजदीक होंगे ना। विष्णु में तो दोनों ही है, लक्ष्मी भी है और नारायण भी है। जो रुद्रमाला के होंगे वो नारायण के साथ होंगे, जो विजय माला के होंगे वो लक्ष्मी के साथ होंगे। हाँ जी, तो नारायण क्या हुआ, नारायण को बुद्धि में ज्ञान है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा होने के कारण सुखधाम में रहेगा या सुखधाम में रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में दुखधाम होगा या सुखधाम होगा, प्रैक्टिकल में कौन सी दुनिया में होगा, दुखधाम में रहते हुए भी सुखधाम में महसूस करेगा। और जगदम्बा ब्रोक्यानम लक्ष्मी प्रैक्टिकल में भी सुखधाम होगा, क्योंकि उसका है प्रैक्टिकल पार्ट, क्या प्रैक्टिकल परिवर्तन का पार्ट है, प्रैक्टिकल में भी सुखधाम में रहेगी और संकल्पों से भी सुखधाम में रहेगी। तो पापा लक्ष्मी नारायण जन्म लेने के बाद नारायण देखने के लिए जाएंगे, वो भी संकल्पों से ही देखेंगे। ये सब बुनताड़े अपने बिहाते रहो, क्या होगा तो आगे मिलकर देखेंगे। अभी जो भी गीता पाठशालाएं हैं, वो गीता पाठशालाएं सच्ची गीता पाठशालाएं हैं या झूठी गीता पाठशालाएं कही है। सच्ची गीता है, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, लगा होना अलग बात होती है और प्रैक्टिकल में पाठ बजाना लक्ष्मी नारायण जैसा वो अलग बात होती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर ऐसे सहज बन जाता है क्या, लक्ष्मी नारायण का मंदिर माने क्या, लक्ष्मी और नारायण का वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, पवित्र वाइब्रेशन होना चाहिए, जो आए हुए और वो कन्वर्ट हो जाए, पारसनाथ का मंदिर जैसा हो जाए। उन दोनों का वाइब्रेशन सफल संस्कार भी एक होना चाहिए ना। ठीक है, अभी में विनाश होता है कि नहीं होता है, आप मुए मर गई दुनिया, हम जानते हैं ये कोई स्वर्ग स्थापन करने वाले नहीं है, सब नरक के कीड़े ऐसे ही। यहाँ एडवांस में भी अगर प्रैक्टिकल में फेल तो क्या कहे जाएंगे, फेल कहे जाएंगे। तो होगी तो नए तरह की गीता पाठशालाएं होंगी, विजय माला और रुद्रमाला के बन के वो भी तो आपस में मिलेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये तो तीन मूर्तियों के लिए कहा गया है, ये ब्रह्मा बाबा का पार्ट वो भी ब्राह्मण का, जगदम्बा का पार्ट वो भी ब्राह्मण का, शंकर का पार्ट वो भी ब्राह्मण का, वैष्णवी देवी का पार्ट वो भी ब्राह्मण का, फाउंडेशन ही पड़ता है ब्राह्मणों से, अंतिम जन्म में भी वो ब्राह्मण होते हैं। बाकी लोग हाँ,
बीच के जन्मों में भी दूसरे को नहीं 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 ये कोई बात नहीं संगम युग में ब्राह्मण होने की बात है इसमें राजा महाराजा बने भी होते क्षत्रिय होते हैं मोस्ट काले कालरात में 50,000 सूर्य होती 50,000 चंद्र होती क्योंकि ये 1,50,000 प्रभुत्व वाले थे बाकी सब प्रभुत्व वाले वाले बोला पक्का माने जो आदि से अंत तक पक्के रहे नित्य बुद्धि रहे नित्य पैदा होता ही नहीं प्रसन्न चित्त ही रहते हैं प्रसन्न चित्त होते ही नहीं उन्हें हर बात अच्छी लगती है उनके संकल्पों का खून ही मेल जोल खाता है छत होगा पाठ ठीक है तो फिर भी रहम दिल होता है बाप भी रहम दिल होता है सदगुरु किसी के नखरे नहीं पहन करेगा बंद करवा दे अंदर कचरा भरा रहे तो अच्छा है अंदर कचरा भरा रहेगा तो सूर्यवंशी बनेंगे फिर आखिर जो नहीं है जो अभी सूर्यवंशी कन्वर्ट नहीं हुए उनको कन्वर्ट करना नहीं है, है? करना है जिनका छिलका चढ़ा हुआ है दूसरे वंश का उनका छिलका उतारना नहीं है उतरना है उच्चार्थ करो नहीं ये कोई जरूरी नहीं होता है उच्चार्थ करने वाला जो असल सूर्यवंशी होगा उसको हर बात अच्छी लगेगी जो भक्ति मार्ग में चलता है सत्य वचन महाराज ठीक है कृपा निधान सत्य है दया निधान ये किनकी बात है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा अपने धर्म का नहीं होगा तो प्राप्त जरूर करेगा नहीं है अपने धर्म का तो आओ पावरफुल है बनाने वाला तो उसे कन्वर्ट करेगा बाबा 1,00,000 बच्चे के 1,00,000 बच्चे नहीं बोला अभी तक के ये तो माता जी ने बोला मुरली में बोला है इसलिए माता जी पूछी और आपने भी आंसर दिया लेकिन बोला 4,50,000 उतरे के रखते हैं तो 1,00,000-2,00,000 सालिग्राम बनाते हैं कितने बनाते हैं 1,00,000-2,00,000 सालिग्राम बनाते हैं ये बोला है इससे ज्यादा कोई बना नहीं पाता सुबह से बनाना शुरू करते हैं और शाम तक बनाते रहते हैं फिर शाम को फट से बिगाड़ देते हैं शिवलिंग भी बिगाड़ देते हैं टालीग्राम भी बिगाड़ देते हैं शूटिंग पीरियड की बात है और जगन्नाथ टूटे रह जाते हैं तो क्या होता है कोई पहले ही छोड़ के बैठ जाते हैं घर में पहले ही धोखा दे के चले जाते हैं जब से द्वापर युग शुरू होता है कोई अंत तक टिके रहते हैं आखिरी जगह तो कन्वर्ट हो जाते माया छोड़ती तो किसी को भी नहीं है जो आम होता है उस आम में जो बौर आता है
फूल आता है पहला पहला, उसको मंजरी कहते हैं। क्या? वो फलों का फाउंडेशन है आम के फलों का, उसका नाम क्या है? मंजरी है, फलों का राजा होता है। आम फलों का राजा होता है, है? उसकी उसकी पैदाइश जो है मंजरी से होती है। फीचर को कभी बदलना नहीं चाहिए, ये मुरली में बोला है। नारायण के जो फीचर साक्षात्कार से तैयार हुए हैं, वो फीचर से तैयार हुए हैं तो उनको कभी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरे दूसरे जनरेशन वाले थे, उन्होंने चित्र बनाना शुरू किए तो उन्होंने चित्रों को बदल दिया। शुरू लेते हैं सबसे अच्छा याद करने का नारायण का स्वरूप को याद करें। माने अभी निश्चय बुद्धि होगे तो याद करेंगे, निश्चय बुद्धि नहीं होगे तो भटकता रहेगा। अभी निश्चय बुद्धि कुछ हुए होंगे कि नहीं, नारायण कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो अभी जड़ स्थिति का जरूरत तो नहीं है। जड़ स्थिति का ही वो तो तब तक के लिए है जब तक चैतन्य प्रत्यक्ष न हो, और बुद्धि में जब चैतन्य प्रत्यक्ष हो जाए तो जड़ को कौन पूछेगा। अभी अभी भी मुरली में बाबा बोला था, हाँ ये चित्र है बाहर वालों को, हाँ क्या स्थूल बुद्धि है उनको चित्रों की क्या दरकार। पानी और भोजन को धारण करके रखो, उल्टी ना हो जाए। उल्टी हो जाएगी तो सेवा कहाँ हुई, वो तो हवस हो गई, सर्विस हो गई। चंद्रवंशियों में सामना करने की शक्ति होती है जो गड़बड़ा गए तो सही कर लो। नहीं में तो सारी शक्तियाँ ज्यादा होंगी, लेकिन वो सुखाने की भी शक्ति ज्यादा है। सूरी का अवगुणों को और दुर्गंध को सोखने की शक्ति भी ज्यादा है। इसलिए सबको अपने में समा लेते हैं। सागर में भी दो शक्ति है, ज्ञान लहरों से अपने में सब कुछ समाय लेते हैं, सारा कचरा समाय जाता है। नदियां जो भी कचरा लाती है और सामना भी करता है। खास उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है।
ऐसे ही आठ तेज जो है उनमें एक एक शक्ति की प्रधान मतलब ज्यादा होगी ना, ये आठ शक्ति होगी सब शक्तियाँ उनमें होंगी प्रधानता अभी आठ शक्तियाँ प्रधानता जिसमें जो चंद्रवंश से निकला होगा उसमें टेन शक्ति ज्यादा होगी, जो सूर्य वंश का निकला होगा उसमें सूर्य की शक्ति ज्यादा होगी, इस्लाम से निकला होगा उसमें वो शक्ति ज्यादा होगी। हर एक की शक्ति अपनी अपनी अलग है ना।